मैजिकल क्वेश्चंस क्या है, मैजिकल क्वेश्चंस क्या है, मैं आपको कुछ कुछ सवाल कर रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। पहला, आप उन्हें मत बताइए कि वेस्टी से उन्हें क्या 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 मिल सकता है। प्रेजेंटेशन दिखा दी तो उसमें एक्सप्लेन कर दिया ना आपने ऑलरेडी कि ये लाइफ है ऐसी, ऐसा पैसा, ऐसी जिंदगी, ये प्रोडक्ट, ये इम्यूनिटी बूस्टर, ऐसा 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 आपने बता दिया ना प्रेजेंटेशन में या वेबिनार में बता दिया ना। अब आप दोबारा से मत बताइए, आप उनसे पूछिए कि वेस्टीज से उनकी लाइफ कैसी होगी, क्या फ्रीडम उन्हें मिल सकती है, क्या टाइम लिमिट मिल सकती है, क्या लाइफ स्टाइल हो सकती है, राइट। वॉट विल दे गेट ये उनसे पूछना है। चार मैजिकल क्वेश्चंस में से पहला है कि भाई जस्ट एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे अनिल जी को देख रहा हूं तो मैं अनिल जी को अनम्यूट करता हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अपन अनिल जी को अनम्यूट करते हैं। जी अनिल जी, मेरा पहला सवाल, जैसे आप मान लेते हैं गेस्ट है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, तो अनिल जी से मेरा पहला सवाल, ठीक है, कि अनिल जी जो भी प्रेजेंटेशन मैंने आपसे डिस्कस करी, जो वेबिनार मैंने आज आपको तरुण कनौजिया सर का दिखाया, मुझे पता है कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, बड़ा मजा आया होगा इस वेबिनार को अटेंड करके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नजर आई होगी। बाकी आप बताओ कि आप वेस्टीज से क्या उम्मीद करते हो, यहाँ से आप क्या क्या चीजें अचीव करना चाहते हो, क्या कर सकते हो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि मुझे टाइम फ्रीडम मिल जाएगा, इनकम की बिजनेस करने का मौका मिलेगा, और वेस्टीज के प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है तो मेरी फैमिली और मेरी हेल्थ सही रहेगी, और काफ़ी चीज़ें मिलेगी जैसे बिजनेस करने का मौका मिलेगा, इनकम फ्रीडम मिल जाएगी, टाइम फ्रीडम मिल जाएगा मुझे, 9 to 5 जॉब जो करते हैं वो नहीं, उस टाइम पर नहीं करना पड़ेगा। ओके वेरी गुड। मैं आपने जो अब यहाँ पे मैंने जो पहले फील फेल्ट फाउंड बताया था, जो लाल अक्षरों में लिखा था, मैंने बोला था आगे बताऊंगा, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि अनिल जी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था जब मैं पहली बार ऐसे ही किसी वेबिनार का पार्ट बना था। अनिल जी मैं महसूस कर सकता हूँ क्या आप महसूस कर रहे हो, क्योंकि ऐसा ही मैंने महसूस किया था जब मैंने पहली दफा इस वेबिनार को या ऐसे ही किसी वेबिनार को अटेंड किया था। और मैंने साथ ही साथ ये भी पाया, फील फेल्ट फाउंड पाया, साथ ही साथ मैंने ये भी पाया कि अगर मैं इस बिजनेस में ईमानदारी से मेहनत करूं तो यहाँ पे मैं पार्ट टाइम भी काम भी करके एक अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ। तो अनिल जी दूसरा सवाल, तो अनिल जी आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू करना चाहेंगे या फुल टाइम शुरू करना चाहेंगे? सर जहाँ तक पार्ट टाइम स्टार्ट करूंगा जब अर्निंग अच्छी आएगी, फुल टाइम। यहाँ पे 95-98% लोगों का रिप्लाई आपको पार्ट टाइम ही मिलेगा, क्योंकि पहले दिन सबका ट्रस्ट, सबका यू नो विश्वास इतना पैदा नहीं होता कि यहाँ पे करियर बनाया जा सकता है, और धीरे धीरे समझ में आता है, तो 90-95% लोग आपको पार्ट टाइम बोलेंगे। तो आप पार्ट टाइम शुरू करना चाहेंगे अनिल जी, राइट? यस सर। तो पार्ट टाइम आप कितनी अर्निंग करना चाहेंगे, दूसरा सवाल चल रहा है, पार्ट टाइम आप कितनी अर्निंग करना चाहेंगे आप हर महीने यहाँ से? सर पार्ट टाइम में कम से कम 10-15,000 हो जाए। ओके 10-15,000 आप यहाँ से अर्न करना चाहेंगे। जैसा कि हमने प्रेजेंटेशन वेबिनार में भी देखा था कि यहाँ बहुत सारे लोग 10-20-30-40-50-60,000 और इवन 4,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1,00,000 रुपए से ऊपर महीने का कमाते हैं, तो ऑब्वियसली आप पार्ट टाइम में 10-15,000 रुपए कमाना चाहेंगे। आई अप्रिशिएट दैट मैं आपकी तारीफ करता हूँ इस चीज को लेकर कि आप यहाँ से 10-15,000 कमाना चाहेंगे। एंड द थर्ड क्वेश्चन नाउ कि अनिल जी आप 10-15,000 रुपए कमाने के लिए, अनिल जी आप 10-15,000 रुपए कमाने के लिए यहाँ पे हर रोज कितने घंटे काम कर सकते हैं वेस्टीज में? 2-3 घंटा। तो ओके अनिल जी आप 2-3 घंटा काम करेंगे, आपको 15-20,000 रुपए अर्निंग चाहिए। आप कितने महीने में ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कितने महीनों में आप इस लेवल पे अचीव हो जाए, क्योंकि बिजनेस से जॉब तो है नहीं कि काम क्या तनख्वाह आ जाएगी, पैसे इनकम में यहाँ काम करके बिजनेस खड़ा करना होगा पहले। तो आपको क्या लगता है कि 2-3 घंटे रोजाना काम करके 15-20,000 रुपए के लिए कितने महीने आपको लगेंगे इस बिजनेस के अंदर? 1-2 मंथ। अब देखो यहाँ पे इन्होंने जो बात बोली वो जस्टिफाई नहीं हो रही, अब आपको भी गेस ऐसे ही रिप्लाई करेंगे। क्या बोल रहे हैं अनिल जी कि सर मैं 1-2 घंटा दूंगा। अब 1-2 घंटे का मतलब वो एक ही घंटा दिमाग में चल रहा है उसकी कि 1 घंटा दूंगा, 1-2 महीने मतलब 1 महीना, 1 घंटा, 1 महीना और 20,000, 1 घंटा, 1 महीना, 20,000, 1 घंटा, 1 महीना, 20,000, जस्टिफाई नहीं हो रहा। कुछ लोग बहुत सुपर्ब होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, बहुत अमेजिंग होते हैं, लीडरशिप बहुत अच्छी होती है, वो
50-50, 60-60 हज़ार रुपए भी एक महीने में कमा जाते हैं और अच्छा बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। इसलिए आपको यहाँ पे कंसल्टेंट, पीछे चलते हैं, पीछे का प्रेजेंटेशन मैं आपको आपको स्क्रीन पे रखता हूँ। बिहेव लाइक अ कंसल्टेंट। अब मैं यहाँ पे कंसल्टेंट वाला काम करूंगा कि अनिल जी आई अप्रिशिएट दैट कि आपने बोला 15-20 हज़ार रुपए महीने का कमाना चाहते हैं, और एक चीज जो मुझे नहीं जम रही है या मुझे मेरा अनुभव आपसे कह रहा है कि भाई ये नहीं हो सकता है कि आप हर रोज 1 घंटा या 2 घंटा देंगे और अगले 1 महीने के बाद ही आप 15-20 हज़ार रुपए का उम्मीद रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। आप दो तीन चीजें कर सकते हैं। पहला, या तो आप अपने काम करने के समय को बढ़ा दीजिए, हर रोज 7-8 घंटा काम करिए, 1 महीना काम करिए, आप 15-20 हज़ार रुपए में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आप इस टाइम को 1-2 घंटा रखिए, लेकिन 1 महीने के बाद आप 15-20 हज़ार जो बोल रहे हैं आप उसे 1,000 रुपए महीना बोल दीजिए। या फिर द थर्ड ऑप्शन कि 1 घंटा रोजाना काम करिए, 20,000 ही रखिए, लेकिन कम से कम आपको 5 महीने काम करना होगा। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे? महीने बढ़ाना चाहेंगे, पैसा कम करना चाहेंगे, या समय अपने रोज का समय बढ़ाना चाहेंगे? आप क्या करना चाहेंगे? रोज का समय बढ़ाना चाहेंगे। रोज कितने घंटे फिर आप काम कर सकते हैं या करना चाहेंगे? सर अभी तो 5-6 घंटे 5-6 घंटे आप रोजाना काम करना चाहेंगे। बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि सर हमारा ऐसा बिजनेस नहीं है कि यहाँ कोई पर्टिकुलरली नौकरी है कि 5-6 घंटा आप रोजाना हमारे जो सेशंस होते हैं आपको उन्हें अटेंड करना होगा, आप उन्हें रोजाना अटेंड करिए। लेकिन इनिशियल 1 महीना मैं आपसे कहूंगा कि जितनी ट्रेनिंग, जितनी मीटिंग, जितने वेबिनार, जितने मॉड्यूल, जितना आपको अपनी अप्लायंस या मैं सिखाऊ उतना आपको सीखना होगा। 1 महीना अपन अर्निंग पे फोकस नहीं करेंगे, 1 महीना अपन लर्निंग पे फोकस करेंगे ताकि आप लर्न कर जाए और अपने दम पे अपना बिजनेस करें। तो शुरू का 1 महीना अपन लर्न करेंगे, उस दौरान आपका 500-600 हज़ार 2 हज़ार जो भी चेक बने बहुत बढ़िया, और उसके बाद दूसरे महीने ऑनवर्ड्स हम शुरू करेंगे एक बहुत अच्छा खासा बिजनेस। ठीक है सर? यस सर। अगर मैं आपकी मदद करूं, चौथा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी अलग से एक्सप्लेन कर देता हूं कि सर अनिल जी आपको 20,000 रुपए कमाने में, जो आपने कहा कि रोजाना 3-4 घंटा देंगे, 2-3 महीने मेहनत करेंगे और आपको 15-20 हज़ार चाहिए, अगर इस चीज को मैं संभव कर दूं हमारी टीम यूनाइटेड, हमारे अपलाइंस की मदद से, हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मीटिंग्स की मदद से, तो आप कब शुरू करना चाहेंगे अनिल जी? अभी सर, अभी शुरू करना चाहेंगे। तो आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेकर के अपनी आईडी एक्टिवेट करना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी कोरोना चल रहा है, तो जहां तक इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट बेस्ट सुने वेस्टिज के, तो वही लेना चाहूंगा पहले तो। ओके अनिल जी, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, क्योंकि आप मैच्योर्ड हो, आप समझदार हो, आप मुझे बुद्धिमान लगे, आप मुझे दिखे कि यार आप में बिजनेस करने की ललक है, भले ही ना हो लेकिन आपको बोलना ऐसा है कि मुझे आप में ललक नजर आई, आप बिजनेस करना चाहते हो। इसलिए मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ कि वेस्टीज में, जैसा कि आपको पता है, आईडी 0 रुपीज में बन जाती है। आईडी एक्टिवेट करने के कुछ ऑप्शन है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन सबसे अमेजिंग है 282 पीवी। जैसे आपको पता है कि 1 से 599 पीवी जो है, इसमें आपका लेवल होता है 5%, 600 पीवी करने पे आपका लेवल होता है 8%। वैसे मैं सबको बताता नहीं हूँ, मैं सभी को बताता हूँ, मैं बोलता क्या हूँ, वैसे मैं सबको बताता नहीं हूँ, लेकिन आप में मुझे नजर आई वो लीडरशिप, आप में मुझे नजर आई वो क्वालिटी, से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक इंडिविजुअल मंथ में 282 पीवी का बिजनेस कर ले, अपनी आईडी पे खरीदारी कर ले या फिर टीम के साथ बिजनेस कर ले, तो आपका लेवल हो जाएगा 8% और आपको 750 रुपए के फ्री प्रोडक्ट का वाउचर आ जाएगा। आपका लेवल 8% हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको 750 रुपए के फ्री प्रोडक्ट का वाउचर आ जाएगा। तो क्या आप अपनी फैमिली वाइज, इतना जो आपका परिवार है, ऐसा कुछ खर्चा कर सकते हो कि 282 पीवी मतलब 8,500 रुपए का प्रोडक्ट आप परचेज कर लो, ऐसा हो सकता है? यस सर, फैमिली मेंबर में यानी साइट में रिलेटिव वगैरह की परचेजिंग करवा के हो सकता है, कर सकते हैं। तो अपन आपका बिजनेस 282 पीवी से शुरू करते हैं। 282 पीवी में आपके हेल्थ सप्लीमेंट्स भी आ जाएंगे, इम्यूनिटी बूस्टर्स आ जाएंगे, आपके इम्यूनिटी बूस्टर्स के अलावा जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स है वो आ जाएंगे, स्किन केयर के प्रोडक्ट वो आ जाएंगे, और यूजर तो हम है ही, अगर 1-2 प्रोडक्ट ज्यादा आ भी गए तो अगले महीने में उसको यूज कर लेंगे या रिटेल करके हम बिजनेस निकाल लेंगे, किया जा सकता है ऐसा? यस सर। तो ठीक है सर, आपका बिजनेस हम 282 पीवी से शुरू करते हैं। ठीक है? यस सर। ये फर्स्ट केस था। दूसरा केस, अनिल जी आप ये बोलो कि नहीं सर मुझे नहीं लगता कि, थोड़ा सा अभी क्या कोरोना की वजह से सर जॉब वॉब सब बंद है, घर में पैसा वैसा ज्यादा आ नहीं रहा है, तो सर 8,500 रुपए तक का खर्चा मैं नहीं कर सकता, बोलो ऐसा बोलो। सर अभी तो कोरोना चल रहा है तो 282 करना तो संभव नहीं, कोरोना चल रहा है, पैसे की प्रॉब्लम है।
नॉर्मली 1000-2000 का सामान परचेस कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं समझ सकता हूँ जो आप फील कर रहे हैं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपके साथ जो समस्याएं चल रही है। ठीक है, ऐसी समस्याएं मेरे साथ मेरे परिवार के साथ भी चल रही थी, बट मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने अपने निर्णय को लिया इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए, आप भी शायद इन समस्याओं से बाहर निकलना चाहते होंगे। यस और नो? यस सर। तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन सबसे बेहतर क्या है कि अगर आप 282 पीवी नहीं कर सकते, आप 100 प्लस पीवी से करिए। 100 प्लस पीवी मतलब आपका 125 पीवी, 130 पीवी, जो आपके रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो आप लीजिए। अपन क्या करते हैं, आपकी 100 पीवी से आपकी आईडी एक्टिवेट करते हैं और आपके 2-3 दोस्तों को 100-150 पीवी से ज्वाइन करा देते हैं। टोटल बिजनेस तब भी आप ही का कैलकुलेट होगा और 282 जैसे ही क्रॉस होगा आप फास्ट 8% अचीवर बन जाएंगे और आपको 750 रुपए का फ्री प्रोडक्ट वाउचर आ जाएगा। क्या इसमें आप सुटेबल है, क्या ऐसा किया जा सकता है? यस सर, किया जा सकता है। दूसरे केस में भी अग्री हो गए, पहले में भी अग्री हो गए, तीसरा केस लेते कि सर अब समझिए थोड़ा सा, सर अभी तो 100 पीवी मतलब 3000 का भी खर्चा करना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा बोलो। सर अभी तो कोरोना के टाइम में 3000 करना भी मुश्किल है, समथिंग 1000 रुपए तक परचेसिंग कर सकते हैं। अच्छा, समझ सकता हूँ यार मैं। अभी क्या सभी के साथ ये समस्याएं चल रही है कि मतलब खर्चे तो बहुत है बट उस हिसाब से पैसा नहीं है। बट मेरे मन में एक बात है जो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि क्या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है, क्या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे आप अपने खर्चों को आमदनी में कन्वर्ट कर पाओ? नहीं नहीं ना, वेस्टीज आपको मौका देगी। आप 1000-2000 देखो मैनेज कर सकते हो, 1000-2000 रुपए मैनेज कर सकते हो। और आपको भी पता है कि आप एक सिर्फ खरीदार बनने के लिए नहीं आ रहे हो, आप यहाँ पे आ रहे हो बिजनेस करने के लिए। और बिजनेस में यार थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या है, अपना सामान खरीदना है। तो जो आप अगले महीने खरीदने वाले थे या बाद में खरीदने वाले थे, थोड़ा सा जुगाड़ कर लो, 100 पीवी कर लो। किया नहीं जा सकता? अगर थोड़ा सा घर वालों से बात कर लो कि इम्यूनिटी बूस्टर खरीदना है, कुछ जरूरत का सामान खरीदना है, तो नहीं खरीदा जा सकता क्या? यस सर, कोशिश करेंगे तो खरीदा जा सकता है। अच्छा चलो, मैं बोलता हूँ कि फिर भी नहीं हो सकता, तो एक थोड़ा स्लो ऑप्शन है, एक थोड़ा स्लो ऑप्शन है जिसको मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता लोगों को, कि आप अपना बिजनेस ना 60 या प्लस पीवी, 60-70-80 पीवी से भी शुरू कर सकते हैं। 60-70-80 पीवी करने से क्या फायदा होगा कि 4 महीने लगातार लेने पे आपको 1250 रुपए का सामान आपको फ्री मिल जाएगा। तो क्या अपन 60 प्लस पीवी मतलब लगभग 1800 से लेके 2000-2500 रुपए तक के प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे एक इतने में तो खेल हो जाता है साहब, और फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है कि साहब है ही नहीं। तो वैसे तो यार मैं ना क्या बोलूं, मैं आपको बोलना नहीं चाहता बट एक गरीबों वाला ऑप्शन भी है, वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहता बट एक गरीबों वाला ऑप्शन भी है कि आप अपनी आईडी ना 30 पीवी से भी एक्टिवेट कर सकते हो, बट कोई ऑफर, कोई फ्री प्रोडक्ट, कोई कंसिस्टेंसी, कोई स्कीम नहीं मिलेगी, बट आप आईडी एक्टिवेट कर सकते हो। अगर चलो है ही नहीं आपके पास ऑप्शन, तो ठीक है ये लास्ट ऑप्शन है 30 पीवी वाला, इससे आप कर लो एक्टिवेट, इससे किया जा सकता है। अब इसके बाद एक ऑप्शन और ले लो कि सर इतना भी नहीं है मेरे पास, इतना भी नहीं है। क्या बोलो सर? इतना भी नहीं है, बोलो एक बार। सर इतना भी नहीं हो पाएगा। नहीं ऐसे बोलो, सर करना तो मैं चाहता हूँ पर इतना भी पैसा नहीं है मेरे पास, क्या बताऊ सर मेरी नौकरी चली गई है, अब कुछ करा ही नहीं जा सकता, ऐसे बोलो। सर करना तो चाहता हूँ बट क्या अभी इनकम नहीं हो रही पैंडेमिक के सिस्टम में, तो अभी इतना से भी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा चलो छोड़ो, इम्यूनिटी बूस्टर उस्टर गया तेल लेने, एक चीज बताओ, चाय पीते हो? यस सर। हमारे पास एक ऐसी चाय है जिसमें 8 तरीके के हर्ब्स है, दालचीनी, मुनक्का, मुलेठी, अश्वगंधा, तुलसी, सौंठ, काली मिर्च और एक चीज है जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे करके 8 तरीके के हर्ब्स है। ये आयुष मंत्रालय के रिकमेंडेशन पे बनाई गई चाय है। अगर आप 250 रुपए तो खर्च कर सकते हो, 250 रुपए इतना कर सकते हो? यस सर, 250 कर सकते हो ना, 250 आप मेरे को ट्रांसफर कर दो, मैं अपनी आईडी पे ऑर्डर करके आपको दे दे रहा हूँ, या आप मेरे 10 घर छोड़ के ही रहते हो ना, मैं आपके घर पे डिलीवर कर दूंगा, इतना हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। आप प्रोडक्ट यूज कर लो, थोड़ा बहुत पैसे अरेंज कर लो, 5 दिन 6 दिन 10 दिन में आप प्रोडक्ट पैसे अरेंज कर लो, 3-4 हजार रुपए अरेंज कर लो, इम्यूनिटी बूस्टर खरीदेंगे और कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट खरीदेंगे और आपका बिजनेस शुरू करेंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा अनिल जी, पैसा ना होना कोई उपलब्धि नहीं है, अनिल जी पैसा ना होना कोई उपलब्धि नहीं है। और आपके पास इस लॉकडाउन टाइम में ऐसा कोई मौका है भी नहीं कि आप अपने घर पे मोबाइल में हेडफोन लगा करके पैसा कमा पाओ, है क्या कोई ऑप्शन? नो सर। तो अपन जरूर शुरू करेंगे वेस्टीज को, अभी नहीं है कोई बात नहीं, अभी आप चाय पत्ती यूज करो, साबुन यूज करो,
दो चार दिन का वक्त हो, पांच छह दिन का वक्त हो, आपका 100 पीवी से अपन बिजनेस शुरू करें, ठीक है? यस सर, चलो ले लो। ओके, अब आप जितने लोग सुन रहे थे वो सारे के सारे लोग रिव्यू करें कि 10 में से आप इस फॉलोअप को कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे। थोड़ा सा साउंड डिस्टरबेंस था अनिल जी की तरफ से, बट कोई इशू नहीं, आपको समझ में आया होगा। 10 में से आप कितनी रेटिंग, कितने नंबर्स देना चाहेंगे? सारे ही 10 में से 10 दे रहे, बताओ। सारे ही 10 में से 10 दे रहे, क्या बात है, जबरदस्त। लोकेश पटेल जी ने 10 में से 9 नंबर दिए। चलिए देखो, ये मैं डेमो करके बता रहा था, मैं नाटक करके बता रहा था। एक्चुअल वाला अलग हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपकी हर सेल क्लोज हो जाए, जरूरी नहीं कि आपकी हर सेल क्लोज हो जाए। आप भगवान नहीं है, यू आर नॉट अ गॉड। आप भगवान नहीं, एक मिनट देना मुझे, आप भगवान नहीं है। फोन डिस्चार्ज हो रहा था। आप भगवान नहीं है, यू आर नॉट अ गॉड। सो आपकी 100 में से 100 ज्वाइनिंग कन्वर्ट नहीं होगी। लॉ ऑफ एवरेज बोलता है 10 में से 2 ज्वाइनिंग भी अगर आपने कन्वर्ट कर ली तो इसे 100% रिजल्ट बोला जाएगा। बट बिलीव मी, अगर आपने इस तरह से फॉलोअप किया तो आपकी 10 में से 8-9 सेल पक्की है। और जो एक बचेगा ना अनिल जी जैसा, उसको 250 रुपए लेकर के चाय पत्ती जरूर पहुंचा देना। मतलब रिजल्ट कभी भी जीरो नहीं होंगे आपके। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो वापस से मैं आपके सामने जो सवाल है वो वापस से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, आप उन्हें मत बताइए कि वेस्टीज से वो क्या 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 कमा सकते हैं, कैसी लाइफस्टाइल हो सकती है, उनसे पूछिए कि क्या 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 हो सकता है। दूसरा, आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू करना चाहेंगे या फुल टाइम शुरू करना चाहेंगे, उसके जो भी रिस्पॉन्स होगी उस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स होगा, राइट? पार्ट टाइम में आप कितना कमाना चाहेंगे अगर आप शुरू करते हैं तो? भाई मैं 5,000, 7,000, 10,000, अच्छा कितने घंटे, कितने महीने तक आप काम करने के बाद ये उम्मीद करते हैं कि हर महीने आप इतना यहाँ पे कमाना शुरू कर देंगे? अगर आपको लगता है कि उसका जवाब बिल्कुल सही है तो गो फॉर दैट। इफ नॉट तो बिहेव लाइक कंसल्टेंट। ज्वाइनिंग निकालने के लिए उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाने का, जो गलत है उसे गलत बोले और उसको सही तरीका बताए। ये वाले केस में अभी जो हमने किया, इसका फायदा मैं बताऊं आपको, इस तरह से ज्वाइनिंग निकालने का पहला फायदा क्या है। अब अनिल जी जब इस बिजनेस में आएंगे ना, तो आने के बाद उन्हें मुझे सीरियस नहीं करना है। आई रिपीट, अगर इस तरह से फॉलोअप किया जाए तो अनिल जी को लाने के बाद उन्हें सीरियस नहीं करना है। आपके साथ होता है ना सर, वो ज्वाइन तो हो गया, प्रोडक्ट नहीं खरीदता सर, वो फोन नहीं उठाता है सर, सोता रहता है सर, वो सर मैं मीटिंग का मैसेज भेज भेज के परेशान, सर मैंने व्हाट्सएप छोड़ो कबूतर छोड़ा सर उसके घर पे कि मीटिंग होने वाली है ज्वाइन कर, फिर भी वो नहीं आता। ये क्यों होता है? वो सीरियस नहीं है। इस केस में आप उन्हें सीरियस करेंगे। एंड चौथा, अनिल जी अगर मैं आपकी मदद करूं इस 5,000-10,000 रुपए महीना कमाने के लिए तो आप कब शुरू करना चाहेंगे? दीज आर द थिंग्स। अब इन्हीं चार क्वेश्चंस को जो आपकी स्क्रीन पे नहीं है, उन्हीं चार क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिख लीजिएगा। पहला सवाल, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि यही करने से आपकी रिजल्ट क्लोज होगी। आपके आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने तरीके से आप कर पाओगे। पहला सवाल, अनिल जी, अब अनिल जी को म्यूट कर दिया बट मैं नाम उन्हीं का ले रहा हूं, आप सभी अभी मेरे लिए अनिल हो। अनिल जी, जो वेबिनार आज आपने देखा है वेस्टीज का, जो भी प्रेजेंटेशन आज आपसे मैंने डिस्कस करी है, या जो पेपर प्लान मैंने आपसे डिस्कस किया है, जूम मीटिंग मैंने जो आपसे डिस्कस करी, इसे आप 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, इसे आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अगर वो 1 या 2 रेटिंग देता है, अगर वो 1 या 2 रेटिंग देता है तो मान लीजिए वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो इस बिजनेस को नहीं करना चाहता है। 3, 4, 5, 6, 7 तक अगर वो रेटिंग देता है, 6 तक रेटिंग देता है, 3, 4, 5, 6 तक वो रेटिंग देता है, तो उसे समझ आया भी है और नहीं भी आया है और वो कंफ्यूज है, उसका 1, 2, 3, 4, 5 बार फॉलोअप लेना पड़ेगा। अगर वो रेटिंग देता है 7, 8, 9 और 10, 10 तो बहुत कम ही देंगे आपको, फिर भी 7, 8, 9 या 10, तो वो इंटरेस्टेड है, सिर्फ उसके सवालों के जवाब दे दीजिए, वो इंस्टेंट ज्वाइन कर लेगा। पहला कि जो चीज मैंने आपसे डिस्कस करी है सर, उसे आप 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, 10 में से आप कितनी रेटिंग उसे देना चाहेंगे, वो जो रेटिंग देगा उसे। अब दूसरा सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन रेटिंग कितनी देना चाहेंगे, दूसरा सवाल 7 रेटिंग दी उसने कि मैं 7 देना चाहूंगा, अच्छा आपने 7 ही क्यों दी, आपको क्या ऐसा लगा कि आपने 7 रेटिंग दी, 3 नंबर कहां काटे या 7 नंबर आपने किस चीज के दिए, आपको क्या ऐसा समझ में आया क्यों 7 नंबर आपने दिए? फिर वो रीजंस देगा आपको, मैंने इसलिए दिए, उसलिए दिए, ऐसा वैसा दुनियादारी जो भी।
फिर आप उससे पूछे कि अगर आप शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस को तो पार्ट टाइम आप शुरू करेंगे कि फुल टाइम आप शुरू करेंगे, फिर अगेन ये वापस से रिपीट हो जाएंगे ये जो सवाल है आपकी स्क्रीन पे। आप अलग तरीके से भी शुरू कर सकते थे, ये मैं आपको समझा रहा हूं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, शो देम व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप।